गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नोट टेकिंग। दिस चैप्टर रिलेटेड टू आवर कोर्स नंबर CSPD 121। स्टूडेंट्स, वी वेरी नोज अबाउट दैट व्हाट इज नोट टेकिंग। नोट टेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एनी एविडेंस फॉर फ्यूचर यूज। अगर हम बात करें साइंटिफिकली, तो कुमार एंड राज ने कहा है कि नोट टेकिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन द इंफॉर्मेशन इन कंसाइज एंड कंडेंस्ड मैनर विल लिसनिंग टू अदर पर्संस इन मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, टीवी प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। कुमार एंड राज ने भी यही चीज़ कही है कि नोट टेकिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, जो भी चीज़ हमने पढ़ी है, जो क्लास में या हमने अपने रूम पे, अपने घर पे जो चीज़ हमने नोट की है, कहीं से देखी है और हमने वो नोट कर ली है, ठीक है, और एक कंसाइज फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, जो टू द पॉइंट है, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसको नोट कर लिया और उसको हमने फ्यूचर के लिए एक एविडेंस बना लिया, ठीक है, फ्यूचर के लिए हमने रिकॉर्ड कर लिया, जिससे कि हम हमारे एग्ज़ाम, जब हमारे एग्ज़ाम होंगे तब हम उनको रीड करके और एग्ज़ाम दे सकते हैं, फ्यूचर के लिए हमारे काम आते हैं। तो ये किस किस चीज़ में काम आ सकते हैं बाद में, तो किसी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, टीवी प्रोग्राम एक्सेट्रा, किसी में भी हमारे यूज़ में आ सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं हमेशा बात करती रहती हूँ इस बारे में कि आप लोग खुद के नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं और एग्रीकल्चर की ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है एग्रीकल्चर का जिसका एक ही किताब में पूरा का पूरा आपका सिलेबस मिल जाए। तो हमें, हमारे लिए तो नोट्स बनाना ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की डिफरेंट किताबें, हमारे को जो बुक्स हैं रेफ़र करनी पड़ती हैं और उनसे हमारे को नोट्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके हमारी कम से कम एक यूनिट कम्प्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए और आपके जीवन में भी इसको उतारिए कि हमें नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर एविडेंस हैं। आप लोगों को आगे चल के भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको PPG की प्रिपरेशन करनी है और आपके ICAR की प्रिपरेशन करनी, इन सब के लिए और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी भी प्रिपरेशन करनी, इन सब के लिए कोई अलग से बुक नहीं है, अलग से कोई नोट्स नहीं है। जो आप लोग फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जो पढ़ाई करते हैं और जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, जो आपका सिलेबस है, उन्हीं के आपको नोट्स बनाने हैं और आपके फ्यूचर नोट्स वही काम में आएंगे, वही आपके PPG में और ICAR में और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब में वही काम आएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट की एडवांटेजेस ऑफ नोट टेकिंग। बहुत सारे एडवांटेज हैं नोट्स बनाने से, तो हमें काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। हमें एक तो किसी और बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं, उस वक्त जब हमारे को इमीजिएट कुछ पढ़ना हो, जब हमारा कोई एग्ज़ाम पास में आ रहा हो, अगर हमने नोट्स बना लिए हैं तो हमें सिर्फ एक रजिस्टर उठाना है और उसको रीड आउट करना है। वो इतना शॉर्ट फॉर्म में होगा कि हमें पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक जहाँ 4 घंटे लग रहे हैं उसमें हमें आधे घंटे में हम उन नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, एडवांटेज है। फर्स्ट बात करें हम तो, नोट टेकिंग कीप्स द बॉडी एक्टिव एंड द माइंड इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन लिसनिंग। आपके नोट टेकिंग क्या किसमें हेल्प करेगा, आपके माइंड को हेल्प करेगा किसी चीज़ को लिसन करने में, किसी चीज़ को समझने में, ठीक है। और कोई सिचुएशन है जिसमें हम हैं, उस सिचुएशन को हमारे को समझने में हमारे हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट बात करें हम कि डेवलपिंग नोट टेकिंग स्किल्स, द स्टूडेंट्स आर एबल टू सेलेक्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल एंड डिस्कार्ड अननेसेसरी कंटेंट। क्या करेगा ये कि हम नोट्स बनाएंगे तो हमारे को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसके लिए, उसमें हमारे हेल्प करेगा और जो भी अननेसेसरी कंटेंट है आपका उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी है, एक ही टॉपिक की रिलेटेड हमने उस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है एक पर्टिकुलर बुक में, तो हमें सारी चीज़ें उस टाइम एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस मटेरियल को हम यूज करेंगे हमारे नोट्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि ये हमारे को क्या करता है, हमारी अटेंशन को उस जो लर्निंग सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डालता है, ठीक है। ये कह रहा है कि नोट टेकिंग कैन एक्सटेंड द अटेंशन स्पान ऑफ द स्टूडेंट्स इन एनी लर्निंग सिचुएशन। हमारी अटेंशन को उस लर्निंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग डालेगा, क्या
नोट नोट टेकिंग, ठीक है। क्योंकि हम जब नोट्स बना रहे हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से प्रेजेंट होगा, हम मेंटली प्रेजेंट होंगे कि जो टीचर बता रहा है उस चीज़ को हम समझ रहे हैं। जब समझेंगे तभी तो हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है। हमारी लिसनिंग अच्छी होगी तो हम नोट बना पाएंगे। अगर हमारी लिसनिंग ही अच्छी नहीं है, और हमने प्रीवियस क्लास में आप सब हमने पढ़ाए हैं लिसनिंग के बारे में भी, तो हमारी हेल्प करेगा ये कि हम हमारे जो लर्निंग सिचुएशन है उसमें हमारी अटेंशन को बनाए रखेगा नोट टेकिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट है, नोट टेकिंग हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फॉर्मूलाज, एग्जाम्पल्स साइटेड बाय द स्पीकर्स। क्या करेगा ये? हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा स्टूडेंट्स की। किसके द्वारा? डायग्राम के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा, ठीक है। जो आपका स्पीकर बोल रहा है, जो हम किसी बुक में पढ़ रहे हैं या किसी मीटिंग में सुन रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, या कोई टीवी प्रोग्राम के थ्रू हम जो चीज़ जानकारी हासिल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि हम वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे, फॉर्मूला है वो नोट कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, तो वो फ्यूचर के लिए हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। नोट टेकिंग हेल्प्स ऑल द टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट एट वन प्लेस बिकॉज टीचर टीचेस टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स। क्या कह रहा है ये हमारे को कि ऑल टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट वन प्लेस, ठीक है। मतलब कि आपका, मैं हमेशा आप लोगों को, मैं भी बताती रहती हूँ कि बच्चों, जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स जो मैं हमेशा देती हूँ हमारे मेरे जो क्लास के बच्चे होते हैं उनको, वो नोट्स कोई मामूली से नोट्स नहीं है। उनके लिए हमने रात दिन एफर्ट किया है, कम से कम 20 बुक्स रेफर करके, इसके अलावा भी ऑनलाइन साइट से हमें वो कंटेंट हमने इकट्ठा किया है, और आपका पूरा सिलेबस कम्प्लीट किया है, पूरा कोर्स कंटेंट कम्प्लीट किया, टू दी पॉइंट, टू दी टॉपिक। तो वो सारा क्या है, एक है जो एक ही जगह पे आपको अलग अलग बुक का जो एक मटेरियल है वो कलेक्ट करके एक ही सब्जेक्ट आपको बनाया, एक ही जो एविडेंस आपको प्रोवाइड किया है। यही चीज ये कह रहा है कि नोट टेकिंग हेल्प ऑल द टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट एट वन प्लेस बिकॉज टीचर टीचेज टॉपिक्स ऑफ ए सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स। मतलब कि आपका टीचर है वो डिफरेंट टेक्स्ट बुक को रेफर कर रहा है और आपको पढ़ा रहा है। मतलब कि आपको तो एक ही बार में एक ही बुक, मतलब आपके लिए तो वो एक ही बुक हो गई है, टीचर ने अलग अलग बुक से रेफर की है और आपको पढ़ा रहा है, तो आपके लिए वो एक ही टाइम में सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। इसलिए आपको नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। देन स्टूडेंट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, गुड नोट्स कैन एक्ट एज एन एक्सीलेंट रेफर्स ऑफ फ्यूचर वर्क टू रेफर बैक फॉर रिपोर्ट्स, एसे, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन और एनी अदर कोर्स असाइनमेंट्स। क्या कह रहा है ये? हमने पहले भी जब शुरुआत क्लास की तब भी हमने ये कहा है कि ये हमारे लिए एक फ्यूचर एविडेंस है, रिकॉर्डेड फाइल है, जो कि हमें किसी और भी चीज़ें हम जो करना चाह रहे हैं, कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, कोई ऐसे लिखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कोई असाइनमेंट है जो टीचर ने हमारे को इस कोर्स से रिलेटेड दिया है, तो उसके लिए भी हमें ये एक रेफरेंस के रूप में हमारे काम आता है। हम डायरेक्टली नोट्स अपने उठा के और उनमें से हमारा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई जो हमारी रिपोर्ट तैयार करनी, प्रेजेंटेशन देना है हमें, या कोई असाइनमेंट सबमिट करना है टीचर को, तो वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए एक एविडेंस हो जाता है, ठीक है, फ्यूचर वर्क के लिए हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि हम जो हमारी नोट टेकिंग स्किल्स हैं उसको कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। और अगर हमारे इसकी फेजेस की बात करें हम, तो फेजेस क्या क्या फेजेस हैं इसके नोट टेकिंग के, तो स्टूडेंट्स फेजेस जो है नोट टेकिंग के 3 फेज हैं, बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। क्या करेंगे हम, नोट टेकिंग जो करेंगे हम, नोट्स जब प्रिपेयर करेंगे तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। बिफोर द क्लास हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें क्लास में जाने से पहले जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा कोर्स कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक टीचर आज पढ़ाने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा हमें रीड आउट कर लेना है, ठीक है। रीड आउट करने से क्या होगा, टीचर जब हमें पढ़ाएगा तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेट हो जाएगा, हमें वो चीज़
हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगी जो हमने पढ़ा है. हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, ये इसके बारे में हमने सुना है, हमने रीड किया है, तो वो सारी चीज़ें क्या हमारे लिए आसान हो जाएगा. फिर जब टीचर आपको उसको और भी शॉर्ट मैनर में पढ़ाएगा तो आप उसको टू दी पॉइंट लिखने में आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि रीड द मटीरियल इफ असाइंड बाय द टीचर. अगर असाइन नहीं भी किया है टीचर ने तो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब टीचर नेक्स्ट क्लास में आपको कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहा है तो आप उस चीज़ को रीड करें. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में प्रीवियस क्लास में आते हैं और उनको पता होता है कि हमें नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता कि कौन सा असाइनमेंट दिया है हमारे को. तो भी आपको नेक्स्ट क्लास जो प्रीवियस क्लास जो आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन करनी है और उस मैटर को रीड आउट करना है. देन नेक्स्ट कह रहा है ये कि सिट एट द सेंटर ऑफ द रूम सो दैट द ब्लैक बोर्ड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी इजीली विजिबल. आपको क्या करना है, कहाँ बैठना है, सेंटर में बैठना है. कहाँ पे? सेंटर में बैठना है जिससे कि आपको ब्लैक बोर्ड ईजीली विजिबल हो. और जो अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपकी स्लाइड है पीपीटी के थ्रू अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो आपको विजिबल हो, अच्छे से दिखाई दे. ठीक है, क्योंकि अच्छे से दिखाई देगा तभी तो आप नोट्स बनाएंगे. ठीक है, इसलिए ही हम कहते हैं कि बिल्कुल लास्ट में नहीं बैठ गए, आगे जब जगह है तो आगे बैठना चाहिए, आपको नोट्स बनाने में ईजी हो जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट है टेक नोट फॉर ईच लेक्चर ऑन ए न्यू पेज. ये चीज़ भी हम आपको बार बार रिपीटेडली मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है कि सब कुछ घास नहीं काट लेनी है. ठीक है, आपको अलग अलग कोशिश करना है वैसे तो कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग आपको नोटबुक तैयार करनी है, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं आप तो आप लोगों के लिए और इजी है कि आप एक ही बड़ी नोटबुक खरीद लीजिए और उसी में आप पार्टीशन कर लीजिए. ठीक है, और डेट वाइज पेज वाइज आपको अलग अलग सब्जेक्ट का पहले टाइटल लिख लीजिए, ऊपर डेट लिख लीजिए कि फला सब्जेक्ट है, जैसे कि CSPD 1-1 है तो CSPD 1-1 लिख दिया, और जब टीचर ने इसके जो भी टॉपिक्स पढ़ाए तो वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक भी डाल दिया और डेट भी डाल दी. देन नेक्स्ट आपका फिर आएगा कि XCOM 1-1 पढ़ रहे हैं तो XCOM 1-1, ऐसे ही GPB आप 1-1 पढ़ रहे हैं या HOT 1-1 पढ़ रहे हैं या फिर Agron 1-1 पढ़ रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी आपका स्टेटिस्टिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश, तो इस तरह से आपको नोट्स तैयार करना. ठीक है, तो ये कह रहा है कि टेक नोट फॉर ईच लेक्चर ऑन ए न्यू पेज. न्यू पेज से ही आपको शुरुआत करनी है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा चार लाइन बच रही है तो उसी में स्टार्ट कर दिया या आधा पेज बच रहा तो उसी में स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो सारा मिक्सअप हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा एग्जाम के टाइम. क्योंकि एग्जाम में अपना माइंड सेट होता है, अपने पास बहुत कम लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में अपने को बहुत सारे सब वो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो हमारे को हमारा टाइम सेव हो इसलिए ये हमारे लिए ईजी हो जाता है. ये भी लिखा है कि डेट ईच पेज ऑफ द नोटबुक. ये मैंने बताया आपको कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं और जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, तो वो आपको एक डेट जरूर लिखनी है जिससे अपने को ईजी हो जाएगा कि उस दिन हमारी क्लास हुई थी, और आपको कम नोट कंपाइल करने में भी ईजी हो जाएगा. अगर आप किसी क्लास में नहीं जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स से जब आप शेयर कर रहे हैं तो वो डेट वाइज आपको पता भी चल जाएगा. ठीक है, राइट द चैप्टर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट और चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये मैटर मेरे पास है या नहीं है. ठीक है, तो आपको डेट, टॉपिक का नाम और कौन सा लेक्चर नंबर कौन सा है वो सारी चीज़ें नोट कर लेनी है. ये तो है आपका बिफोर क्लास कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, और नेक्स्ट है ड्यूरिंग द क्लास. ड्यूरिंग द क्लास जब क्लास चल रही है, टीचर आपको टीच करवा रहा है, तब आपको क्या क्या ध्यान रखना है. तो लिसन केयरफुली एट द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर फॉर एन ओवरव्यू ऑफ द मेन टॉपिक्स ऑफ द लेक्चर. आपको क्या करना है, शुरुआत से ही आपको जो लेक्चर दिया जा रहा है टीचर के थ्रू उसके सारे जो भी पॉइंट्स हैं उन सबको ध्यानपूर्वक सुनना है. ठीक है, ध्यान से उनको सुनना है, समझना है. देन है कि बी सेलेक्टिव, लिसन टू एवरीथिंग बट डू नॉट राइट डाउन ऑल. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जब पहला कह रहा है कि सारी चीजों को शुरुआत से ही सुनना है, समझना है, लेकिन देन सेकंड कह रहा है ये है कि सारी चीजें आपको सुननी है, समझनी है. सुननी है मीन्स कि बिल्कुल दिमाग में उतारनी है, लेकिन सभी चीज़ों को आपको लिखना नहीं है. जो टू द पॉइंट है, जैसे कि आपने टीचर्स ने पढ़ाया आपको स्टेप्स पढ़ाया, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की स्टेप्स पढ़ाई या फिर प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाई है आपको, तो उसमें क्या करना है, आपको स्टेप्स को सिर्फ टू द पॉइंट लिख लेना है और उनके अंदर थोड़ा सा
राइट अप लिख लेना, दो चार पॉइंट, बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है जिससे कि आपको टाइम लगे, क्योंकि आपको समझना है, लिखना सिर्फ टू द पॉइंट है। नोट्स होते ही क्या है, जो टू द पॉइंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कोई ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो पूरा केयरफुली आपको सुनना है, लेकिन टू द पॉइंट आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है, राइट डाउन मेन आइडिया, की पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स, की टर्म्स, डेट्स, एग्जाम्पल्स, फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। की पॉइंट्स लिखने हैं आपको, कोई चीज़ है तो उसके, ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह नोट करने। टेक एक्यूरेट नोट्स, यूज योर ओन आइडियाज, डू नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग ऑफ सिनोनिम्स। क्या करना है आपको, आपके ओन आइडियाज से आपको नोट्स टेक करने हैं, ना कि आस पड़ोस के बच्चों का देखना है, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है, पढ़ने का तरीका भी अपना होता है, और नोट्स पढ़ तैयार करने का भी अपना तरीका। अपने तरीके से अपन नोट्स बनाएंगे तो पढ़ने में अपने लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। यूज स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस ऑफ सम वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस डिलीवर्ड बाय द स्पीकर, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपकी जो जितने भी एब्रीविएशंस हैं, जो टीचर्स आपको बता रहे हैं, वर्ड्स है, फ्रेजेज है, क्लोजेज है, वो सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। क्लोजेस मीन्स कि जो आपका जो मेन पार्ट है, उसी के जो खंड है ना, उपखंड है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डो नॉट वरी अबाउट मिसिंग पॉइंट, आपको चिंता नहीं करनी है कोई अगर मिस हो गया है कुछ तो, ठीक है। लीव सम स्पेस एंड फिल वाट यू मिस्ड लेटर, ठीक है, आपको स्पेस छोड़ देना है, और बाद में आपके फ्रेंड से या टीचर से आपको वो चीज़ कलेक्ट करके और लिख लेनी है। ऐसा नहीं कि उसी में खो गए और आगे का कुछ भी नोट नहीं किया, थोड़ा स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। और बीच में आप अगर वॉइस क्रिएट करोगे तो दूसरे वो डिस्टर्ब होंगे और टीचर का भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, इसलिए वो इतनी सी जगह छोड़ दीजिए, और जब क्लास ओवर हो जाए तो आप टीचर को पूछ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को पूछ लीजिए, और उसको कंपाइल कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉपी डायग्राम एंड इलस्ट्रेशन विच विल क्लेरिफाई योर नोट्स, ठीक है। आपके जो भी डायग्राम हैं, जो भी इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको कॉपी कर लेना है, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए, ठीक है। देन लास्ट है, ड्रॉ ए सिंगल लाइन थ्रू द मिस्टेक रादर देन इरेज, दिस सेव्स टाइम, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड चीज़ों को लिखना है, और जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। देन नेक्स्ट है आपका थर्ड फेज है, फर्स्ट फेज था आपका बिफोर द क्लास, देन सेकेंड था ड्यूरिंग द क्लास, लास्ट पेज है आपका आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास भी आपको नोट्स को देखना, अगर ये तीनों जो आपने कर लिया है तो आपको वो चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा, आपको एग्जाम में सिर्फ उसको 5 मिनट देने की जरूरत है। हर एक चैप्टर को आपको सिर्फ 5 मिनट देने की जरूरत है, मतलब कि आप लगभग दो दो से 2.5 घंटे में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ सकते हो एग्जाम के लिए हर एक चैप्टर को, क्योंकि आपको 5 से 10 मिनट ही देने होंगे अगर आपने ये तीनों पेज जो रेफर कर लिए, ऑब्टेंड कर लिए तो, ठीक है, इन सबको जो गाइड किया तो। देन लास्ट है आपका आफ्टर क्लासेस। आफ्टर क्लासेस आपको क्या करना है, थर्ड फेज है, रिव्यू, रिवाइज और एडिट योर नोट्स आफ्टर क्लास एज सून एज पॉसिबल। क्या करना है आपको, रिव्यू करना है मतलब एक बार देखना है, रिवाइज करना है, एडिट करना है। एडिट मतलब कि आपको, आपका अगर कुछ छूट गया है तो आपके फ्रेंड से उसको कंपाइल करना है, टीचर से कंपाइल करना, सीनियर से नोट्स लेके कंपाइल करना है, या इंटरनेट के थ्रू एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो करके लिखना है, ठीक है। तो ये आफ्टर दैट क्लास, ठीक है। देन नेक्स्ट है, री राइट नोट्स इफ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है कि री राइट करना है आपको, क्योंकि क्लास में आपने फटाफट से लिखा, आपको लगता है कि ढंग से नहीं लिख पाया, तो आप उसको री राइट कर सकते हैं और इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। राइट ए समरी पैराग्राफ कंटेनिंग द मेन पॉइंट ऑफ द लेक्चर टू कंसोलिडेट आइडियाज एंड टू रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज। क्या करना है आपको, एक समरी तैयार कर देनी है बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है, पैराग्राफ तैयार कर देना है जो कि कंसोलिडेट करेगा आपके नोट्स को, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कॉल करके भी हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप लोगों का हिंदी में मेटर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है, स्पेशली एक्सटेंशन में तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता, और अपने को भी कोशिश करनी है कि इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करें। जब मैं आपको हिंदी बताती हूँ इन्हीं चीज़ों की, तो आप चाहें तो क्लास के दौरान उसको हिंदी में नोट कर लीजिए, जो चीज़ मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आपको हिंदी में नोट कर लेना है, जिससे क्या आपके हिंदी के नोट्स बन जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ जो एक ऑथेंटिक बुक है मेरे पास, थोड़ा बहुत उसमें एक्सकॉम का हिंदी का है, तो वो मैं आपको आज ही पीडीएफ बना के और भेज दूंगी,
लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन का मैटर है नहीं स्टूडेंट्स, और कोई ऑथेंटिक बुक है नहीं। अपने को एग्ज़ाम भी इंग्लिश में देना होता है, फ्यूचर में भी अपने को पूरा इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो आप लोग कोशिश करें कि इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच।